बहता का उल्टा चश्मा। नाइस, यहाँ पे काफी कलरफुल और अच्छे डिजाइन के कपड़े हैं, है ना? हाँ, एकदम मस्त है। ये हवा कितनी चाल है। हाँ, ये कैसा लग रहा है? अच्छा है, वेरी प्रिटी है ना। रोशन भाभी, आप ये वाले ड्रेस लीजिए। सोड़ी भाई आपको ये ड्रेस में देख के खुश हो जाएंगे। कोमल भाभी, रोशन ना चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न, वो मुझे कोई भी ड्रेस में देख के ना खुशी हो जाता है। माधुरी भाभी, कुछ अच्छा लगा? ये देखे ना, तीन सिलेक्ट किया मैंने, कैसे लग रहे? बहुत सुंदर है। ये पीला वाला तो बहुत सुंदर है। अच्छा है ना? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लूं। तीनों ले लीजिए, 50% सेल है। तीनों क्या करने का, मैं तो ज्यादातर साड़ी पहनती हूँ ना। एक काम करती हूँ, इनको लेके आती हूँ, इनको पूछूंगी ना तो ये सही बताएंगे मुझे। एक आप जरा रखेंगे? मैं पॉकेट में लाती हूँ। ये है रिंकल फ्री शर्ट, उसको इस्त्री करने की जरूरत नहीं है सर। हो, रिंकल फ्री शर्ट? यस। आत्माराम, रिंकल फ्री शर्ट इस्त्री करने का जरूरत नहीं है, ये देखो। बेस्ट है, ले लो। नहीं, एक्चुअली मुझे साड़ी खरीदनी है। ओए पीड़ू, तू साड़ी पहनेगा? अरे आत्माराम, तुम साड़ी पहनेगा तो कैसा लगेगा? अरे कॉमन सेंस है, मैं साड़ी माधुरी के लिए खरीदूंगा ना। मैं माधुरी के लिए रिंकल फ्री साड़ी खरीदूंगा। भाई साहब, हम साड़ी नहीं रखते। नहीं, बताए मुझे, मैं किसी और शॉप से खरीदूंगा। आहो, या ना एक मिनट। हाँ, आलो आलो, चलो चलो, ये मेरे लिए पैक कर देना। अंजनी भाभी आ गए। बताइए बेटे भाई, इन तीनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? मेहता साहब को बुलाना चाहिए ना, मुझे क्यों बुलाया? मेहता साहब को क्यों बुलाऊ मैं? मेरे लिए पसंद कर रहा है, आपको ही बुलाऊंगी ना, उसे क्या करता है? अच्छा, उन्होंने सिर्फ पकड़ा है। मैंने सिलेक्ट किए हैं तीनों। अच्छा था। एक मिनट अंजलि भाभी, एक मिनट, ये जरा दिखा ना। ये मस्त जच रहा है तुम पे माधवी, ये दोनों रख दीजिए। आओ ले लू ना। अंजलि भाभी, ये सही है? थैंक यू। हाँ सर। हाँ भाई, मैं कहाँ थे तुम? ये फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? सर मैं बाहर हूँ। बाहर हूँ? तुम छुट्टी लेकर बाहर घूम रहे हो? नहीं सर, मैं अपने घर के बाहर हूँ। वो आपके लिए कविता लिखनी है ना, तो खुली हवा में आपकी कविता के बारे में सोच रहा था। अच्छा अच्छा, देखो मैं तो बहुत बढ़िया कविता लिख के भेजना भाई। अच्छा सुनो, तुम्हारी कविता जो है ना, वो एक स्पेशल गिफ्ट है जो मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, ठीक है? तो इतनी बढ़िया कविता लिख के भेजो कि मेरी वाइफ का जो बर्थडे है ना, उसके लिए यादगार बर्थडे बन जावे। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। गुड गुड गुड। अच्छा अच्छा सुनो, आज मैं शाम को अपनी वाइफ को एक कैंडल लाइट डिनर पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? और वहाँ मोमबत्ती की हल्की हल्की रोशनी में रोमांटिक मूड बना के उसको मैं तुम्हारी कविता सुनाऊंगा। आप तो बड़े छुपे रास्ता निकले सर। वो तो मैं हुई। अच्छा सुनो सुनो, ऐसा है, देखो तुम्हारी कविता मुझे 8 बजे तक मिल जानी चाहिए, क्योंकि आधा घंटा रिहर्सल करने में लगेगा ना। उसको मालूम नहीं पताती है ना कि कविता किसी और ने लिखी है, उसको लगे कविता मैंने लिखी है ना, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं टाइम पे आपकी कविता भेज दूंगा। ठीक है ठीक है। पीछे से आवाजें कैसे आ रही? वो कहीं तुम कविता लिखना छोड़कर टीवी तो नहीं देख रहे? सर टीवी तो बंद है। बंद है? आवाज कहाँ से आ रही? वो अंजलि देख रही है। तुम्हारी बीवी बंद टीवी देखती है?
नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वो टीवी नहीं मोबाइल देख रही है, तो मोबाइल की आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा वो दर्द कैसा है? कैसा दर्द? कैसा दर्द? अरे तुम्हारा सर दर्द कैसा है भाई? हाँ सर दर्द, सर दर्द तो है, आपकी कविता लिखने में भूल गया। देखो कविता हर हाल में अच्छी होनी चाहिए बाबा, हर हाल में। मैं काम करता हूँ, काम करता हूँ। सेफ्टी के लिए ना एक डॉक्टर तुम्हारे घर पे भिजवा देता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैंने दवाई ले ली है, मैं ठीक हो जाऊंगा सर। अच्छा ठीक है मैं रखता हूँ। सुनो कहीं बाहर घूमने मत चले जाना, आज मैंने तुम्हें हाफ डे कविता लिखने के लिए दिया है, बाहर मटर गश्ती करने के लिए नहीं, समझे? हाँ सर, हाँ ठीक है रखता हूँ। ओके मोना, ये पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तो कविता लिखना छोड़ कर कहीं बाहर घूम रहा है। नहीं सर, आप ज्यादा सोच रहे हो। आई एम श्योर वो आपको शाम तक कविता भेज देंगे। पक्का? पक्का सर। चलो फिर माँ लक्ष्मी मॉल चल के वाइफ के लिए छोटा गिफ्ट खरीद लेते हैं। यू विल हेल्प मी ना? ऑफ कोर्स सर। मजा आ जाएगा। मोटी कमर, ए रुक रुक, भागता किधर है डरपोक? उड़ गए ना तोते पोपटलाल।